क्या भूल के गई हूँ? पागल है यार वो। क्या हुआ? वो चाहती है कि ये शादी ना 6 दिन में हो। 6 क्या 5 दिन में बोल रही थी। उसका नशा नहीं उतरा क्या? उसे 9 दिन 5 दिन लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो जो जज हमारा केस देख रहा है वो 6 दिन में रिटायर होने वाला है, तो वो चाहती है कि उसके रिटायर होने से पहले हमारा ये वॉरंट मिल जाए। क्या पता जो नया जज आए वो कैसा हो, वो हमारे फेवर में बोले ना बोले, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। जानबूझ के प्रेशर डाल रही है। मैं तो रोज आकर बोल देता कि हमें पता है वो शादीशुदा है, ढूंढ लेंगे फिर देख लेंगे। नहीं आप नहीं समझ रहे, उसने ये सब कुछ फिक्स करके रखा होगा, और कन्फ्रंट करने से ना हमारे जो थोड़े बहुत चांसेस हैं वो भी नहीं रहेंगे। अभी इम्पोर्टेंट है उसके हस्बैंड को ढूंढना। वो पूरब का फ्रेंड अरविंद, उसका कुछ फोन आया, उसका एड्रेस लोकेशन कुछ उसका फोन आया था। आई फॉरगॉट टू कॉल हिम बैक। फॉरगॉट क्या ये सब में? हाय अरविंद, कुछ पता चला? उसका लास्ट लोकेशन पता चला है, वो कल दोपहर में आपके ही घर पे था और मोबाइल रिंग भी हुआ था। अब कहाँ है वो? उसका लोकेशन, बिलिंग एड्रेस कुछ मिल सकता है क्या हमें? हाँ उसका बिलिंग एड्रेस है मेरे पास, पर वहाँ कोई बिल रिसीव नहीं हो रहा है। मतलब वो एड्रेस सिर्फ फोन बिल के लिए यूज हुआ था, वहाँ कोई रहता भी नहीं है। बिल कहीं और से ऑनलाइन पेड हो रहा है। मैंने उसकी करंट लोकेशन को जानने की कोशिश की, पर ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और देखना, इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन हमें बता देना, छोटी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यू नेवर नो हाउ इट हेल्प्स। श्योर श्योर, ओके, थैंक यू। तनु इज इम्पॉसिबल, मतलब वो प्रदीप यही था और उसकी हिम्मत देखिए फिर भी उसने सगाई कर ली। हिम्मत ही तो है ना, मुझे लगता है जितनी नफरत मैं उससे करता हूँ ना शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन वो मुझे इतनी नफरत करती है कि मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए खुद की लाइफ बर्बाद करी। वो आपसे नहीं मुझसे नफरत करती, और मेरी वजह से आपकी जिंदगी स्पॉइल हो रही है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा है वही हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तनु ने ये सब कैसे किया। वो प्रदीप यही था और किसी को पता नहीं चलने दिया और उसे गायब कर दिया। मैं जा रही हूँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे ताई जी। बारे में क्या सोचेंगी? अगर उन्होंने यहाँ से तुम्हें निकल दिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? तुम नाते क्यों हो? तुम रणवीर, शर्माने की जरूरत नहीं है अब। अरे ये जो इतना कुछ लिखा है ना तुमने नोट में, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब का नोट भी लगा सकते थे तुम भी ना। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते।